हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो नंबर 3 में नेशनल इनकम और उससे जुड़े हुए जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं इनमें क्या कनेक्शन है, जैसे कि GDP, NDP डोमेस्टिक इनकम और NNP नेशनल इनकम, इनके बीच में क्या कनेक्शन है और ये कनेक्शन क्या है। ये तो आपने सिंपली वैसे पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा आपको कि इनके बीच में ये कनेक्शन ऐसा क्यों है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो गाइस, सबसे पहले बातचीत करते हैं कि GDP, NDP और NNP ये क्या है। दरअसल ये सब टोटल है ना, एग्रीगेट से। ये भाई जैसे इनकम है तो इनकम है तो इनकम, जैसे आपकी इनकम आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, टोटल लगाओगे ना, एक टोटल है। तो इस टाइप से टोटल होने, और ये टोटल जो है इस, ये वाला जो टोटल है इसका नाम है नेशनल इनकम, ये वाला जो टोटल है इसका नाम है डोमेस्टिक इनकम, और ये वाला जो टोटल है ये अपने आप में GDP के नाम से ही पहचाना जाता है, यानी कि टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हुआ। तो इनके बीच में क्या कनेक्शन है। फिर GDP एट MP दे रखा है तो उसको एट FC पे कैसे लाना है, एट GNP एट FC दे रखा तो उसको एट MP पे कैसे लाना है, GNP को NNP कैसे बनाना है, NNP MP पर है तो FC पर कैसे लाना है, ये हम चीज़ें हमको सीखने की अभी है। पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद में हम इसके डिटेल में बाद में जाएंगे। जो लोग A to Z समझना चाहते हैं वो पूरा वीडियो देखना, बाकी लोगों का काम 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, वो छोड़ के जा सकते हैं। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, ये जो फार्मूला है हर कोई बताता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और ये तो अभी हो सकता है आपने पढ़ भी रखा हो, तो ये फार्मूले वगैरह ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला ये है कि GDP एट MP, GDP इट मीन्स ग्रोस, फुल फॉर्म इसका है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट मीन्स एक देश में होने वाला टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू और कौन से प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर। ठीक भाई, प्रोडक्शन है तो क्या है, प्रोडक्शन की मार्केट प्राइस भी होती है, उसकी लागत भी होती है, फैक्टर कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो हम कौन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस की, मार्केट प्राइस पर टोटल जो प्रोडक्शन हुआ हो। अब इसको कैलकुलेट करने का अपना एक तरीका है, वो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले मान लेते हैं कि हमने सारा प्रोडक्शन जो है वो टोटल कर लिया। अब इसमें से यदि हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमको जो है ये जो ग्रोस था वो हो जाएगा नेट पर, NDP एट MP हो जाएगा। ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें से डेप्रिसिएशन ने घटा दिया। अब इसमें से यदि मैं माइनस कर देता हूं NIT, अब NIT क्या होता है पहले हम समझ चुके हैं। NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। टोटल गवर्नमेंट ने कितना इनडायरेक्ट टैक्स लिया है, उसमें से सब्सिडीज कितनी दी है उसको माइनस कर देंगे तो NIT आ जाता है। ठीक, तो NIT कैसे पता करना हो तो हमको बताया, तो NDP एट MP में से यदि NIT माइनस कर देंगे तो NDP तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो MP है वो चेंज हो जाएगा एट FC पर। ठीक, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो NDP एट FC तक हम आ गए। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में इसमें हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा NNP एट FC मिल जाएगा। ठीक है, NNP एट FC मिल जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा बेसिक फंडामेंटल जो फार्मूला है वो ये है। अभी वो थोड़ा सा हम फार्मूले पर ही रहते हैं, उसके बाद में हम मैं बात करूंगा कि ये ऐसा क्यों है। अब पहले मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि GDP एट MP दे रखा है, GDP एट MP आपको दे रखा है, आपको किस पे आना है, एट FC पर आना है। कोई चीज मार्केट प्राइस पे दे रखी हो उसको फैक्टर कॉस्ट पर लाना हो तो उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, NIT माइनस कर देते हैं। तो यानी कि यहां पर भी यही बात लागू होगी, NIT को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, GDP एट FC आ जाएगा। यानी कि कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि जो कोई भी चीज यदि मार्केट प्राइस पर दे रखी हो उसमें से यदि आप NIT को माइनस कर देते हो
तो वो किस पर आ जाती है, वो आ जाती है फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट ये होगा कि कोई चीज़ यदि फैक्टर कॉस्ट पर दे रखी हो उसमें एनआईटी यदि आप प्लस कर दोगे तो वो किस पर आ जाएगी, वो मार्केट प्राइस पर आ जाएगी। यही बात है ना, कोई चीज़ को माइनस करने पर आ रहा है तो प्लस करने पर वापस उल्टा हो जाएगा, माइनस का उल्टा प्लस होता है, राइट है कि नहीं। जैसे कि मान लो ये दे रखा मार्केट प्राइस पर कोई चीज़ 100 रुपए की है, एनआईटी 20 रुपए का माइनस कर देगा तो फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया, 80 रुपए आ गया। वही चीज़ को 80 रुपए है 20 रुपए प्लस कर दिया तो वापस हम किस पे आ गए, 100 रुपए पे आ गए ना। ये वाली बात, तो एक कंक्लूजन तो ये रहा इस फॉर्मूले का। दूसरा कंक्लूजन हम अब देखते हैं, कोई चीज़ आपको दे रखी है जीएनपी पर, है ना, मतलब ग्रॉस पर दे रखी है, आपको किस पर आना है, नेट पर आना है। आपको जीएनपी दे रखा है एट मार्केट प्राइस, इसमें आपको फिर आना है एनएनपी पर, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे आप, देखिए आप यहाँ पर ये ग्रोस था, नेट पर आए हम, तो नेट पर आए तो हमें क्या करना पड़ा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ा। डेप्रिसिएशन माइनस करा तो क्या आएगा, एनएनपी एट एमपी। ठीक, यानी कोई भी चीज़ यदि ग्रोस पर दे रखी हो इसमें से यदि हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो चीज़ किस पर जाती है, नेट पर जाती है। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ हम फार्मूला समझ रहे हैं माय डियर, ऐसा क्यों है, ये फंडामेंटल फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला ये है। ठीक है, इसके बेसिस पर हमें छोटे छोटे फार्मूले पता करना है, ताकि हमें कोई भी टोटल मान लो ये दे रखा है, हम ये पता करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं अभी फिलहाल फार्मूला समझा रहा हूँ आपको। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट आ गया। इसी टाइप से यदि कोई चीज़ नेट पे दे रखी हो तो उसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो ग्रॉस पर आ जाएगा ना, यही होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपए की थी, 20 रुपए माइनस कर दिए, क्या आ गए, 80 रुपए आ गए। अब यदि मान लो 80 रुपए और डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो बस 100 रुपए आ जाएंगे ना, आ जाएंगे, यही वाली बात है। तो दो चीज़ तो हो गई हमारे क्लियर, कि ग्रॉस से नेट पर आना तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना हो तो एनआईटी जो है वो माइनस होती है। एक और कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है कि यदि कोई चीज़ डोमेस्टिक पर दे रखी हो तो उसमें एनएफआईए क्या करते हैं, प्लस कर देते तो वो नेशनल पे आ जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस करेंगे तो नेशनल पे आ जाएगी, और यदि कोई चीज़ नेशनल पे दे रखी हो और उसमें से यदि हम क्या करते हैं, उसमें से एनएफआईए हम यदि माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, वो डोमेस्टिक पर आ जाएगी, यही होगा। या फिर जैसा इसमें इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि डोमेस्टिक में एनएफआईए हम प्लस करते हैं तो नेशनल आता है, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो गया कि नेशनल में एनएफआईए माइनस करें तो डोमेस्टिक आएगा। ठीक है, अब एक और बात सामने आ रही है कि जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि भाई ये जीएनपी दे रखा है और ये एनएनपी दे रखा है। अब ये मान लो ये एनएनपी हमको दे रखा है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, इसमें हमने डेप्रिसिएशन भी प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, ये वाली बात कहाँ गई, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो ग्रोस पर आ जाएगा, तो नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करें तो ग्रोस पर आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये फॉर्मूला आप नोट कर ले खाली ये वाला, और यही वाले फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब चीज़ें उसके बेसिस पर निकल जाएगी। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट के जो आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनमें क्या दे रखा होगा, उनमें आपको ये दे रखा होगा कि भाई आपको मान लेते हैं कि आपको उन्होंने दे दिया एनडीपी एट एमसी दे दिया, और आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है जीडीपी एट एमपी, तो आप क्या करेंगे, एनडीपी एट एमसी दे रखा है, एनआईटी प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, बेटर। या फिर आपको मान लीजिए एनएनपी एट एमसी दे रखा है और आपको जीडीपी पर जाना है तो एनएनपी एट एमसी में ये माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ये प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ये प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, है ना, मतलब उल्टा जाना है तो उल्टे निशान कर देंगे, सीधा जाना है मान लो ये दे रखा है और ये पता करना है, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, राइट है कि नहीं है, फॉर्मूला यही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते तो नेट पे आते हैं, और एमपी में से एनआईटी माइनस करते तो नेट एफसी पर आते हैं, और डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो एनएफआईए प्लस करते हैं। ये तो मैंने बताया आपको फार्मूला। ठीक,
अब इसके पीछे का राज क्या है, ठीक है, जिनको सिर्फ क्वेश्चन करना है बस, ज्यादा नहीं समझना, कोई वाली बात नहीं। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है।